नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात क्या कहते हैं उनकी, और बात करेंगे कि अगर मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं अभी फिलहाल में, तो किसकी सरकार बनेगी। इसकी सी वोटर्स ओपिनियन पोल को एबीपी न्यूज ने जारी किया है, और जब से एबीपी न्यूज के ये ओपिनियन पोल सामने आए हैं तब से पूरे प्रदेश में सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी दल हो, हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सवाल इस बात का है कि अगली सरकार 2022 में कौन बना रहा है, और मौजूदा वक्त में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बाजी किसके पाले में जा सकती है। एबीपी न्यूज पर कई लोगों ने लाइव ये ओपिनियन पोल देखा, लेकिन कई लोग वंचित भी रह गए। तो जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए ये बड़ी खबर हम लेकर आए हैं, और ये ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, और इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो हम आपको बताएंगे, और एक एक करके पहलू बताएंगे कि कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी के फेवर में जा सकते हैं, पक्ष में जा सकते हैं, और कितनी सीटें कौन सी पार्टी कब्जा सकती है। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार 2017 में बनी थी, और वो सरकार अभी भी काबिज है, और उसको लेकर भी हमने सर्वे किया था, एबीपी न्यूज सी वोटर्स ने सर्वे किया था, और उसमें जो निकलकर सामने आया कि सरकार से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने नहीं वो भी हम बताएंगे। साथ ही विपक्ष का जो रवैया है, विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, और विपक्ष से लोग कितने सहमत हैं कितने नहीं वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा अन्य दलों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, और बताने की कोशिश करेंगे कि किसके पक्ष में क्या माहौल बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रतिशत वोट जो है वो कौन सी पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। 41% वोट बीजेपी सहयोगी दलों के साथ जा सकते हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में अगर मौजूदा वक्त में वोटिंग होती है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो 41% लोग बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी को 21% और कांग्रेस को 6% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो 41% वोट बीजेपी के साथ है, 21% वोट बीएसपी के साथ है, और कांग्रेस के साथ 6% है। तो सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के साथ कितने फीसदी वोट जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका सा लगता दिखाई दे रहा है, मात्र 24% वोटर्स समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर मौजूदा वक्त में विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मात्र 24% मतदाता प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। और ये वक्त अब समाजवादी पार्टी के लिए आत्ममंथन का है। सी वोटर्स ओपिनियन पोल का ये नतीजा है जिसके मुताबिक बीजेपी सहयोगी दलों के साथ में 41% वोटर है प्रदेश का, और मात्र 21% वोटर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर विपक्ष फेल कहां पर हो रहा है, कि विपक्ष पर लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। बात करेंगे इस पर भी, लेकिन अब जान लेते हैं कि कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, और एबीपी सी वोटर्स का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी सीटों के मामले में भी बाजी मारती दिखाई दे रही है। भले ही बीजेपी को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसने साफ कर दिया है कि आवाम योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर ठप्पा लगा रही है, और बता रही है कि उनका कामकाज सही है, और इसी के चलते उनकी एक बार फिर वापसी होने की संभावनाएं मिल रही है। अब सीटों की बात करते हैं। सीटों की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। 33 से 43 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 1 से 7 सीटें जा सकती हैं। अन्य की झोली में 10 और 16 सीटें तक आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 284 से 294 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी के खाते में 284 से 294 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, उसको सिर्फ 54 से 64 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में निकलकर सामने आया है, जो बताता है कि अखिलेश यादव को
अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी जो वक्त बचा हुआ है इस वक्त में मेहनत नहीं की तो 2022 में सत्ता उनसे दूर जा सकती है और बीजेपी वापसी करती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर्स की तरफ से जो ओपिनियन पोल किया गया था उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी एक बार फिर वापसी करती दिखाई दे रही है। मौजूदा वक्त में अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना सकती है और 284 से 294 सीटें तक बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को झटका लगता दिखाई दे रहा है, उसको मात्र 54 से 64 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। वोटर्स के प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 41% वोटर्स जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ दिखाई दे रहे हैं, 24% वोटर मात्र समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अब आत्ममंथन करने की जरूरत है और बेहतर रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं। फिलहाल अगर मौजूदा वक्त में चुनाव करवाए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और अखिलेश यादव की बड़ी हार हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज से जनता यहां खुश दिखाई दे रही है। तो ये एबीपी न्यूज सी वोटर्स का सर्वे था जो कि कल उन्होंने लाइव दिखाया था और जो लोग वंचित रह गए उनके लिए हम लेकर आए थे और इस सर्वे के मुताबिक साफ है कि बीजेपी एक बार फिर वापसी करने के अंदाज में दिखाई दे रही है। आवाम ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मोहर लगाई है। विपक्ष फेल होता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि विपक्ष बेहतर तरीके से सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का माहौल नहीं बना पाया और इसी के चलते विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष यहां पर फेल होता दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 2022 में वो सत्ता में आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं ये बताते हैं कि अखिलेश यादव का सपना टूट सकता है अगर उन्होंने वक्त रहते कोई बड़े कदम नहीं उठाए। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खबर वहां से भी शेयर करते रहिए। ताजा तरीन जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाते रहिए।